न्यायपालिका को किससे है खतरा, पीएम मोदी ने सीजीआई पर बनाया दबाव, क्या झुकेंगे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए मोदी सरकार ने चल दिया सबसे बड़ा दाव, 500 से अधिक वकीलों ने सीजीआई को पत्र लिखकर विपक्ष पर लगा दिया न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप, प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। इस वक्त जब देश की सभी संस्थाएं प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, तो इस वक्त में मात्र एक सुप्रीम कोर्ट ही बची है जो मोदी सरकार की उनकी गलतियों पर फटकार लगा रही है। मोदी सरकार हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में घिरती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बैक टू बैक मोदी सरकार के खिलाफ फैसला सुना रही है, तो इनसे बचने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा दाव चल दिया। मोदी सरकार ने अपने न्यायपालिका पर ही विपक्ष के दबाव में होने का आरोप मढ़ दिया। 2014 में सरकार बनने के बाद से ही एनजीएसी के जरिए न्यायपालिका को अपने वश में करने की कोशिश हुई, लगातार सुप्रीम कोर्ट पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश होती रही, और अब मोदी सरकार ने ही न्यायपालिका पर विपक्ष के दबाव में होने का आरोप लगा दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है पूरा मामला, देश भर में 500 से अधिक वकीलों ने सीजीआई को पत्र लिखा, पत्र में न्यायपालिका के दबाव बनाने की बात कही गई। वकीलों ने इसको लेकर चिंता जताई है और पत्र में लिखा है सीजीआई से गुहार लगाया। इसके बाद से ही देश भर की राजनीति गर्मा गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वकीलों द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने इसे कांग्रेस की पुरानी संस्कृति बताया। वकीलों ने पत्र में क्या लिखा, वकीलों ने पत्र में क्या लिखा, प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से वकीलों द्वारा लिखे गए पत्र को सजा कर लिखा है कि डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति रही है। वरिष्ठ वकील हरीश सालवे सहित देश भर के 500 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर की है। इस पत्र में लिखा है, एक ग्रुप न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है, या खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचारों से जुड़े मामलों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। उनका तर्क यह है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए खतरा पैदा करती है। लेटर में आगे लिखा गया है, खास समूह अलग अलग तरीकों से प्रपंच कर रहे हैं, इस न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचती है। पत्र में कहा गया है, यह समूह ऐसे बयान देते हैं जो सही नहीं होते और ये राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए ऐसा करते हैं। सियासी हस्तियों और भ्रष्टाचार के केस में दबाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। जिन वकीलों ने सीजीआई को लेटर लिखा है उनमें हरीश सालवे, मनन कुमार मिश्रा, आदेश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय हुल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी और देश भर के 600 से ज्यादा वकील शामिल हैं। वकीलों ने सीजीआई से की ठोस कदम उठाने की मांग। वकीलों ने कहा है, यह बहुत ही अजीब बात है कि नेता किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर बाद में कोर्ट में वे उनका बचाव करते हैं। अगर कोर्ट का फैसला उनके मन मुताबिक नहीं आता तो वे कोर्ट के अंदर या फिर मीडिया के जरिए कोर्ट की बुराई करना शुरू कर देते हैं। इस पत्र में आगे कहा गया है, कुछ तत्व जजों को प्रभावित करने और चुनिंदा मामलों में अपने पक्ष में फैसला देने के लिए जजों पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा काम सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर किया जा रहा है। हम सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं, वे इस तरह के हमलों से हमारी अदालतों को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं।